विरोधी को एकाठी करी मुखिया हेबार स्वप्न देखुचंती राहुल। सरकार का स्पष्टोक्ति सत्वे संसद रे विरोधी विशृंखला जारी। पेगासस को बहाना करी संसद को अवमानना। प्रथम दिन गृह कार्य व्याघात सृष्टि कराई चालिचंती विरोधी। बीजेपी वरिष्ठ नेतांकर विरोधी को कड़ा समालोचना। संसद रे लोकंक समस्या बदल रे प्रसंग बदलाउचंती विरोधी। मौसुमी अधिवेशनर दशम दिन रे गृह कार्य रे पुणी सृष्टि हला व्याघात। संसद कार्य आरंभ हेउ हेउ विरोधी कांग्रेस और टीएमसी रा सांसद बाचस्पति आसन आड़ को कागज चीरी फोपाड़ीबा सहित हट्टगोल सृष्टि करथिले। मौसुमी अधिवेशन आरंभ हेबा दिनरु संसद रे पेगासस लीक रो आलो देखाई विरोधी संसद कार्य रे व्याघत घटाई चालिचंती। गणतांत्रिक प्रथा को अवमानना करी देशर नागरिक मानक प्रति थिबा दायित्व को क्षुण्ण करिवारे लागिचंती विरोधी। आज संसद अधिवेशन आरंभ पूर्वरु राहुल गांधी अध्यक्षतारे विरोधी दल बैठक करथिले। पेगासस मामला सहित कृषि आईन को नहीं सरकार को घेरिबा को नहीं आलोचना करा जाइतिबार सूचना मिलिछि। नागरिक मानकर आवश्यकता विषय सरकार को सह आलोचना न करी केवल निज स्वार्थ और अहंकार पर व्यस्त रही विरोधी। विरोधी मुखिया साजिथिबा राहुल गांधी मानसिकता को नहीं प्रश्न उठाई बीजेपी सांसद तथा केन्द्रमंत्री मुख्तार नकवी। निज दल संभाली पार ना बेले एबे पूरा विरोधी को एकाठी करी चौधरी बा नेता हेबार स्वप्न देखुचंती राहुल। आप तो जो है वो डिस्कशन नहीं बल्कि डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, डिस्टर्बशन करना चाहते हैं। और इस तरह के डिस्टर्बशन के जरिए जो है वो अगर उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा उनको लाभ होने वाला है तो वो उनकी गलतफहमी है। और एक बात बहुत साफ समझने की जरूरत है कि जो कांग्रेस अपनी आवाज को विपक्ष की आवाज बता करके और विपक्ष की जो सकारात्मक आवाज है उसको भी जो है वो अगर जिस तरह से अगवा करना चाहती है, उसको हाईजेक करना चाहती है, ये विपक्ष के लोग भी अब समझने लगे हैं, अन्य विपक्ष के लोग भी। पेगासस मामला को नहीं दरकारी पदक्षेप नियाजिबो बोली सरकार को तरफ रु प्रथम दिन रु स्पष्टोक्ति दियाजिबा सत्वे विरोधी निजर अमान्य प्रकृति छाड़ू नहांती बोली बीजेपी रो वरिष्ठ मंत्री और नेता माने क्षोभ प्रकाश करिछंती। यहाँ छड़ा कृषि आईन को प्रतिरोध करिबार आलो देखाई कृषक माना को पथभ्रष्ट कराउछि विरोधी। सूचना योग्य गत 19 तारीख रु मौसुमी अधिवेशन आरंभ दिनरु गृह कार्य रे विरोधी जेपरी भावरे व्याघात घटाई चालिछंती ताकु नै गतकाली दलीय बैठक रे विरोधी को कड़ा समालोचना करितिले प्रधानमंत्री। विरोधी को मुखा खोलिबा दरकार बोली दलीय बैठक रे बीजेपी सांसद मानंकु एक प्रकार निर्देश मध्य देइथिले। तेबे एते दिन धरी विश्रुंखला सृष्टि करी आसुथिबा विरोधी मानंकर पुणी आज संसद रे कागज फिंगी संसद रा अवमानना करिबा परे लोकसभा पुणी थरे किछि समय पई मुलतबी रहिथिला। विरोधींकर ए प्रकार व्यवहार को नै बीजेपी मुखपात्र संबित पात्र कांग्रेस को कड़ा समालोचना करथिबा बेले केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर मध्य एहाकु गणतंत्र पई लज्जाजनक घटना बोली कहिचंती। राहुल जी, पेगासस पर ही आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पार्लियामेंट में उत्तर दे रहे थे, लिखित उत्तर दे रहे थे, जो लिखा हुआ है उससे पढ़कर उत्तर दे रहे। आपके सभी प्रश्नों के, आपके सभी संशयों का उत्तर दिया जा रहा था, मगर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने कागज को आदरणीय मंत्री जी के हाथ से छीन करके फाड़ दिया, उसे हवा में उड़ा दिया, उसे फेंक दिया। ये जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी नहीं है, ये गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है और ये लोकतंत्र की मर्यादाओं का छलनी उड़ाना है। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? आखिरकार विपक्ष इस तरह की आपत्तिजनक हरकतें क्यों कर रहा है? आखिरकार विपक्ष लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार क्यों कर रहा है? क्या विपक्ष के पास चर्चा करने के लिए पर्याप्त विषय नहीं है? क्या विपक्ष केवल हिंदुस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने का काम कर रहा है? संसद अधिवेशन को जनसाधारण अपेक्षा करी रहिछंती जेउठारे तांकर समस्या विषय आलोचना हेबो, किंतु कांग्रेस और टीएमसी सांसद माने
आज संसद मर्यादा भांगी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।